Hello students, welcome to Vigyan Chintan. Today I am going to discuss this question from class 9th science chapter number 10. Gravitation. Before going to discuss this question, first I read the questions and tell you what we need to find out. This is question number 22. The volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in the water if the density of water is 1 gram per centimeter cube?

प्लीज वॉच द एंटायर विडियो विद केयर सो लेट स्टार्ट फर्स्ट आई राइट गिवेन दिवन इज वॉल्यूमल टू थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब सो बीज टू थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ओके सेकेंड थिंग इज मास मासकेट इज फाइव हंड्रेड ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन ग्राम Per centimeter cube. So, first I find the density of packet for density of packet. The formula of density is mass of packet over volume of packet. सो मास ऑफ पैकेट इज 500 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 350 ग्राम सो दिस जीरो दिस जीरो कैंसिल आउट 5 टेन या फिफ्टी फाइव सेवन जा थर्टी फाइव दिस विल बी टेन अपान सेवन यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे टेन बाई सेवन को तो इसको बगल में डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेते हैं टेन डिवाइड बाई सेवन सेवन वन जा सेवन रिमेनिंग थ्री पॉइंट जीरोनिंग टू डेमल से फिफ्टी सिक्स तो आप ऑलमोस्ट देखो कि हम थ्री डिजिट तक आगे बढ़ चुके हैं यहीं पर हम अपना आंसर करेंगे ठीक है आंसर कैसे करेंगे वो देखो हम आंसर में दो ही डिजिट राइट करते हैं कितना दो डिजिट तो यहाँ पर आप देखो टू है और एट है तो ये दूसरे डिजिट के बाद वाले डिजिट को देखते हैं अगर ये वाले डिजिट फाइव के इक्वल है या फाइव से मोर है तो इस वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे प्रीवियस वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे फाइव से लेस है तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो अभी देखेंगे ये वाले डिजिट एट है फाइव से मोर है तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो यानी दो के प्लेस पे क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा वन पॉइंट फोर थ्री कितना आ जाएगा वन पॉइंट फोर थ्री तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट में ये बताने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट फ्लॉट करेगा या सिंक करेगा तो हम ये देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है और वाटर की डेंसिटी कितनी है तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को फ्लॉट करना है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होना चाहिए मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो यहां पर क्या होगा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सिंक करना है तो उसके लिए कंडीशन चाहिए कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा सिंक करेगा तो यहां पर आप देखो मैंने दोनों कंडीशंस आपको राइट करवा दिए हैं आप चाहो तो इसे राइट कर लो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन इट विल बी सिंक तो आप इसे चाहो राइट कर लो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है अगर आपको डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भी दिया जाता है, तो भी आप याद कर लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होता ही कम है या ज्यादा है जल्दी बताओ यानी पैकेट की डेंसिटी है ये ज्यादा है तो इस केस में पैकेट क्या होगा डूब जाएगा तो यहां पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर दस पैकेट विल सिंक इन वाटर विल सिंक इन वाटर ओके okay, तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट सो यहां पे राइट करेंगे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट इज इक्वल टू देखो मैं पहले आपको फार्मूला बताता हूं देखो ये हमारा डेंसिटी का सिंबल होता है डेंसिटी होता है है मास मास वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है, तो इस वॉल्यूम को इधर भेजना पड़ेगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मास मिल जाएगा तो यहाँ पर देखो ये डेंसिटी है हमारा वाटर का और ये वॉल्यूम है हमारा पैकेट का तो यहाँ पर हमें दोनों पता है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ पैकेट और ये है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर तो यहाँ पे रख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ पैकेट ठीक है तो यहां पर वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे देखो डेंसिटी ऑफ वाटर है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम है थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो यहां से देखो जब वन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो रिजल्ट वही आता है थ्री फिफ्टी बन जाए थ्री फिफ्टी तो हमारा मास कितना आ आ जाएगा 350 ग्राम. आ जाएगा 350 ग्राम ग्राम मास कितना तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप चाहो तो वीडियो को करके इसको कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर टू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल यू सब्सक्राइबो ओके आई मीट यू इन द नेक्स्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन टिल देन थैंक यू क्लास